Hello everyone, how's life? My name is Mr. Jitendra Dubey. I am your new Hindi teacher. I'll be teaching you Hindi this session. Is everybody ready to start? I think we can start now. Stop talking and be quiet. I'll take second part of one word substitution. And if you want to watch the first part of one word substitution, then you should go to the study channels Hindi vocabulary playlist and watch their first part of one word substitution and then come here and watch this. लास्ट के 25 वर्षों में इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और जिनमें हिंदी से क्वेश्चंस हिंदी के अनेक शब्द समूहों के लिए यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चंस आए, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के शायद हमने कवर कराए हैं इन दो वीडियोस में, राइट? ये सेकेंड वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है आप स्टडी चैनल के हिंदी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। इफ यू विल कवर, यदि आप ये दो पार्ट्स को कवर कर लोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप चाहे एग्जाम दे के पहले आके देखिए या एग्जाम के बाद देखिए, यू विल वॉच ऑल क्वेश्चन फ्रॉम हियर इफ एनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। यहीं पर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह है अनेक शब्द, इसके लिए एक शब्द ये है। जैसे जिसे भुलाया न गया हो के लिए एक शब्द होगा अविस्मृत, या फिर नेक्स्ट है जिसे अनेक शब्दों में होगा जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, इसके लिए एक शब्द है अविवेकी। ओके, जैसे नेक्स्ट है जिसे बुलाया न गया हो, ये अनेक शब्द है, इसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत। यानी कहने का मतलब है इस शब्द को डिफाइन किया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दिया गया है, मीनिंग क्या है ये एक बात कही जाती है अनेक शब्दों में, और इसको एक शब्द में कन्वर्ट करने के लिए उसका एक शब्द दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट है जिसे बुलाया गया हो, इसके लिए एक शब्द होगा आहूत। ओके, तो हिंदी के किसी भी एग्जाम में जहाँ भी हिंदी आती है उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द रहता ही रहता है। That's why my suggestion for you, you should try to watch it carefully, lots of time. If you will watch it, then you will get two types of profit. First of all, you will crack your examination. Second is, you will capable to speak your thoughts in practical lives. You can explain your thoughts with fluency and impress you. Less. जिसे बढ़ा न गया हो, वाचन न किया गया हो, अपठित या अपवाच्य, यहाँ बढ़ा के बजाय पढ़ा होना चाहिए। जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य, जिसे प्रसन्न यानी आधारित करना कठिन है दुराराध्य, जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो पिपाशु, जिसे न छुआ जाए या न छुआ जा सके अछूत, जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं हास्यास्पद, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो घृणित, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक, जिसे त्यागा न जा सके अत्याज्य, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, जिसे तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो त्रिकालज्ञ, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान प्रकाश, जिसे जीता न जा सके अजेय, जिसे जीत लिया गया हो विजित, जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय, जिसे छुआ न गया हो अछूता, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निभ्रांत, जिसे किसी बात की स्प्रिया आकांक्षा न हो निस्प्रिया, जिसे कर्तव्य न सुझ रहा हो किं कर्तव्य विमूढ, जिसे करना कठिन बहुत कठिन हो दुष्कर, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राप्य, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित, जिसे अन्य का बल या सहारा हो अपर बल, जिसे अक्षर ज्ञान न हो निरक्षर, जिसे स्त्री पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, जिससे स्नान किया जा सके स्नानीय, जिससे लाभ प्राप्त न हो अलभ्य, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उच्चतम, जिसमें स्वार्थ साधन की भावना हो निस्वार्थ, जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ, जिसमें तेज न हो निस्तेज, जिसमें चेतना न हो अचेतन, जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक है गीत रूपक, जिसमें खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित, जिसमें कोई शब्द न हो निःशब्द, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो विकारी,
जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो, विकृत, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहेतुक, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, अकंटक, जिसमें उत्साह न हो, निरुत्साही, जिसमें सत रज तम गुण न हो, निर्गुण, जिसमें जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हो, उत्करण, जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो, यशस्वी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठित, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो, हुतात्मा, जिसने पाप न किया हो, निष्पाप, जिसने न बोलने का व्रत लिया हो, मौन व्रति, जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधर्मरण, जिसने ऋण दिया हो, उत्तमरण, जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण, जिसने उधार लिया हो, ऋणी, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जितेंद्रिय, जिसने अभी हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो, सद्य प्रसूता, जिसने अभी विवाह न किया हो, कुमारा, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो, बहुसत, जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो, अंत्यज, जिसकी पत्नी साथ न हो, विपत्नी, जिसको त्याग दिया गया हो, त्यक्त, जिसको जीतने के वाला कोई पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु, जिसको जाना नहीं जा सके सकता, अज्ञेय, जिसको जानते हो परिचित, जिसको जानकारी बहुत अधिक हो, विज्ञ, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य, जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्त, जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिसको किसी बात की खबर न हो, बेखबर, जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, जिसके हृदय की चोट हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत, जिसके हाथ में सूल हो, सूलपाणि, जिसके हाथ में वज्र रहता है, वज्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन हो, चक्रपाणि, ये चक्रधारी, जिसके हाथ में कोई काम न हो, निरुद्यम, जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा या खलवाट, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसके समान कोई अन्य न हो, अनन्य, जिसके समान अंग दुरुस्त न हो, अपांग या अपंग, जिसके विषय में मतभेद न हो, निर्विवाद, जिसके लिए दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए, दंडनीय, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हों, झबरा, जिसके मन में दया न हो, निर्दय या निर्दयी, जिसके मन में ईर्ष्या न हो, निर्मत्सर, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दी थी दामोदर, जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती या गर्भिणी, जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति, जिसके पास तीन नेत्र हैं, त्रिनेत्र या शिव, जिसके पास कोई साधन न हो, साधनहीन, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति, जिसके पास देखा जा सके, पारदर्शी या पारदर्शक, जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय, जिसके दो पैर हो, द्विपद, जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो, अजातस्मस्र, जिसके दांत न जमे हो, उदंत, जिसके दस मुख आनन हो, दसानन, जिसके टुकड़े न हो सके, अखंड, जिसके जोड़ मुकाबले का कोई न हो, योड़, जिसके छह मुख हो, कार्तिकेय, षड्मुखी, जिसके चित्त में पाप करने की भावना है, पापचेता, जिसके चार पैर होते हैं, चतुष्पद, जिसके कोई संतान न हो, निशंतान, जिसके एक ही आंख हो, एकाक्ष, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि, जिसके अंदर या पास पहुंचा न जा सके, अगम्य, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग, जिसकी सूचना राजपत्र या गजट में दी गई हो, राजपत्रित, जिसकी सीमा हो असीम, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, निस्सहाय, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, क्षणार्थ, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्त काम, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय, जिसकी माप तौल हो सके, परिमेय, जिसकी बुद्धि मंद हो, मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी या तेज हो, कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बाहें घुटने तक हों, अजान बाह, जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, प्रलंब बाह या दीर्घ बाह, जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो, श्रम साध्य, जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित, जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय, जिसकी परीक्षा ली जा सके, परीक्षित, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित,
जिसकी नाप तोल न हो सके अपरिमेय, जिसकी नाक कट गई हो नकटा या नक कटा, जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ, जिसकी था गहराई का पता न चल सके अथाह या अगाध, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती हो शुद्धखोर, जिसकी जीविका बुद्धि के दिमाग काम से चलती है हो बुद्धिजीवी, जिसकी जीविका निश्चित हो सुवृत्ति, जिसकी जीविका अनिश्चित हो आकाशवृत्ति, जिसकी जड़ या आधार का तना का पता न हो निर्मूल, जिसकी चिंता नहीं हो शक्ति अचिंतनीय या अचिंता, जिसकी घोषणा की गई हो घोषित, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो कामुग्रीवा, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोतग्रीवा, जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो विश्व विख्यात, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसकी कीमत कम हो अनर्घ्य, जिसकी कामना बीत चुकी है बीत काम, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम, जिसकी उपमा न दी जा सके निरुपम या अनुपम, जिसकी उत्पत्ति स्वभाव अवगत न हो कृत्रिम, जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो ईप्सित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसकी आकांक्षा हो इष्ट, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष, जिसकी अपेक्षा वह चाह न हो अनपेक्षित, जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र हस्त, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए प्रतिपाद्य, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए आनुषंगिक, जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुःसाध्य, जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित, जिसका शरीर बहुत छोटा हो उवितनु, जिसका शत्रु जन्माहीन हो अजात शत्रु, जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त या विश्वास पात्र, जिसका विवाह हो गया हो विवाहित, जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणीत या अविवाहित, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया गया हो अवर्णीय, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार्य या दुर्निवार्य, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित, जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणामुख, जिसका मन महान हो महामना, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क, जिसका मन उदार हो उदार मना, जिसका भोग होता है भोग्य, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित, जिसका परिहार न हो सके अपरिहार्य, जिसका निषेध किया गया है निषिद्ध, जिसका निश्चय न हो सके, जिसकी प्रतीति न हो अप्रतीयमान, जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय, जिसका दलन किया जाए दलित, जिसका दमन किया गया हो दमित, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम्य, जिसका तेज नष्ट हो गया हो श्रीहत या तेजोहत, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो गोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर, जिसका जवाब न दिया गया हो या जिसे निस्तारित न किया गया हो अनिस्तीर्ण, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उष्मज, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कालीन, जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित, जिसका चित्त किसी एक पद पर स्थिर न हो दुचित्तता, जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो चिंतनीय, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो खंडित, जिसका कोई स्थायी ठिकाना न हो या यावर, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो अजात शत्रु, जिसका कोई पार न हो अपार, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो अनिकेत, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्य उपाय, जिसका कोई जवाब न हो लाजवाब, जिसका कोई खंडन या काट न हो अकाट्य या अखंडनीय, जिसका कोई कसूर हो कसूरवार, जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जिसका कोई अंत न हो अनंत, जिसका कोई अंग बेकार हो विकलांग या दिव्यांग, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय, जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा,
जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका हो उपर्युल्लिखित, इसका उल्लेख किया गया हो उल्लिखित, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय, जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका उत्साह गिर चुका है अतोत्साहित, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका आदि व अंत न हो आद्यांतेतर, जिसका आदर न किया गया हो अनाद्यत, जिसका आकार न हो अनिराकार, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो अंतगर्भ, जिसका आस्तिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो कृतकारी, जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो वियोगी, जिसका अपकार किया गया हो अपकृत, जिसका अंत सुखमय हो सुखांत, जिसका अनुभव किया जा चुका है अनुभूत, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो क्षार, जिसका इलाज न हो सके इला इलाज, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है फल, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो निपुति, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो पुरंद्री, जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न न हो काकबंध्या, जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो बाध्या या बांझ, जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले अध्योढ़ा, जिस स्त्री का पति जीवित हो सदवास या सौभाग्यवती, जिस स्त्री का पति जीवित न हो विधवा, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो दुर्गम, जिस मत अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्वमान होती है क्षणिकवाद, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है बंजर या उषर, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं हो अपात, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक, जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो विवाहित, जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो कुमार, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विदुर, जिस पुरुष की पत्नी न हो अपत्नीक, जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जेय, जिस पर लंबी लंबी धारियां हो धारीदार, जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत, जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दूरदृष्टि, जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित, जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो दिनांकित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जिस पर कोई रोक टोक न हो अनियंत्रित, जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक, जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए निःशुल्क, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण या दाब न हो निरंकुश, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जिस पर अपना अधिकार हो आत्मानीन आत्मनीन, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। One word substitutions. It's second part and very important parts. You should try to concentrate this topic and try to understand it. जिस किसी प्रकार की शंका या डर न हो निशंक, जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो फलक, जिस आकृति में छह कोण हो खटकोण या खटकोणीय, जिस देवता की चार भुजाएं हो चतुर्भुज, जिस स्त्री की शादी न हुई हो कुमारी, जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र अपविद्ध, जलने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जान से मारने की इच्छा जिघांसा, जहां सेना रहती है सैन्यवास, जहां से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्द वेधी या शब्द भेदी, जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा, जहां रानी या रानियां निवास करती हैं रनिवास, जहां राजा निवास करता हो राजा प्रसाद या राजमहल, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े हैं क्षितिज, जहां नाटक खेला जाता है रंगमंच, जहां तक सद सके यथासाध्य, जहां तक और जीतना योग्य हो यथासंभव, जहां जाना कठिन हो दुर्गम्य दुर्गम्य, जहां खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त, जहां कोई दूसरा न हो एकांत, जहां किसी बात का डर अथवा खतरा न हो निरापद, जहां आबादी या जन न हो निर्जन, जलाशिक्त भूमि आर्द्र भूमि, जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं आश्रव, जलथल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर, जलथल दोनों जगह पर रह सकने वाला जलभूमिया, जल जल लेने के बदले में दिया जाने वाला कर जलकर,
जल में विचरने वाले जीव जलचर, जल में पैदा होने वाला जलज, जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तपका, जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती, जन्म लेते ही मर जाना आदंड पात, जन्म लेते ही मर जाना आदंड पात, जन्म भर तक यानी आजन्म या जन्म पर्यंत, जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र, जन साधारण के गीत लोकगीत, जड़ से चोटी तक आमूल चूल, जंगल में लगी हुई आग दावानल या दावाग्नि, छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह सुवेश, छोटे की सहायता करना कृपा, छोटे कद का आदमी बौना, छिपे प्रवेश में रहना छद्मवेश, छिपने या ढकने का कार्य आवेष्टन, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, छह छह महीने पर होने वाला षण्मासिक, छत में टांगने वाला शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं फानूस, छह महीने का समय छमाही, चौपायों के बांधने का स्थान थान, 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका वह संधि, चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया, चौड़ा या फाड़ा हुआ विदेरण, चोरी छिपे और चुंगील सुलका दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध, चैतन्य स्वरूप की माया चिद विलास, चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान, चीन में होने या चीन से आने वाली रेशमी का प्राचीन आंचुक, चीरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थाई, चीरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, लेखन से जीविकोपार्जन करने वाला मत्स्य जीवी, चित्त को चुराने वाला चित्त चोर, चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक, 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका सुश्री, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग टापू, चारों ओर की सीमा चौहद्दी, चारों अंगों से सुसज्जित सेना अक्षौहिणी, चारों युगों में से चौथा कला का युग कलयुग, चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टिता, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, चांदनी रात सरवरी, चलने वाली वस्तु चलायमान, चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी, चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी, चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी, चंद्रमास का वह पक्ष जो जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष, चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता चंद्रग्रहण, चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवमी, चंचल आंखों वाली नायिका लोलाक्षी का घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि किन्नर, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी वह गुणसूत्र जिसमें पुष्टैनी गुण समाहित होते हैं, सूती मोटे कपड़े की बनी चुस्त पतलून जीन, घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी, घृणा किए जाने योग्य घृणी या घृणित या ग्रास्पद, घूस देने वाला घुसखोर, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला, घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, घुंघराले बालों वाली नायिका काकुली, घुंघराले बालों वाला नायक काकुल्य, घास छीलने वाला घसियारा, घास पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया, घर या देश के अंदर आपस के लोगों या दलों की लड़ाई गृह युद्ध, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास गृहजात, घने बालों वाली नायिका अलका, ग्रंथ से के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट, गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास, गोद लिया हुआ दत्तक, गोद में सोने वाली स्त्री अंक कसाईनी, गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ, गुरु के समीप या साथ रहने वाला अंतेवासी, गिरा हुआ पतित, गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है या लोहे के जाल का बना कवच जो युद्ध के समय पहना जाए बख्तर, गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं पंचायत, गांव से संबंधित ग्रामीण, गहरी नींद में सोया हुआ सुसुप्त, गर्भ में बालक की हत्या भ्रूण हत्या, गधा के समरूप पशु खच्चर, गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय, गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग का गंगा जमुनी, खेत जोतने का काम जुताई,
खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, खाने से बचा झूठा, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट, खाने की इच्छा बुभुक्षा, खली में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी, खरीदा हुआ दास क्रीत, क्षण शरीर वाला क्षणकाय, क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील, क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र उग्र पुत्र, क्षत्रिय पुरुष की पत्नी क्षत्राणी, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, क्रय किया हुआ पुत्र कृतव पुत्र, क्रम के अनुसार क्रमानुसार कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही कुछ मान लेना उपकल्पना, कोई काम स्वभाव करते रहने की क्रिया, कोई काम स्वभाव करते रहने की क्रिया अभ्यास, कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिया गया पत्र त्याग पत्र, केस को सजाने संवारने का काम केश विन्यास, केवल पेट भरने वाला कुक्षिभर, केवल अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, कुसंगत में प्रकृति चरित्र पर दोष लगना कलंक, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान, कुछ देने या करने का वचन वादा वागदान, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता संविदा, किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि, किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणि ग्रहण, किसी से प्रेम करने वाली युवती प्रेयसी, किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना याचना, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह, किसी शुभ कार्य की को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ यानी शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा, किसी विषय में दूसरों से मत न मिलना मतभेद, किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला दक्ष या पारंगत, किसी विषय के पारंगत के आरंभ की मोटी मोटी बातें ककारा, किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो विशेषज्ञ, किसी विशेष समय या ऋतु से संबंधित रखने वाला आपर तुंक, किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन, किसी वस्तु या विषय के अंगों की अलग अलग करके देखना विश्लेषण, किसी वस्तु को रखने का छोटा पात्र डलिया, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कुतूहल या कौतूहल, किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक क्षेत्र अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार एकाधिकार, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकार या राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति, किसी राजा के अधीन छोटे सामंत क्षत्रप, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमत या विमति, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि जयचंद, किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा अभिप्रेत, किसी बात पर कुछ कहना प्रतिक्रिया देना टिप्पणी, किसी बात के मर्म यानी मूल रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ, किसी के निधान की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक, किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर प्रत्युत्तर, किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषक, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीश, किसी पदार्थ या राज्य पर दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय, किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास, किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हैं आदिवासी, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय, देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबद्ध अंतर्देशीय, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण, किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश भग्नावशेष, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, किसी चीज पर आशक्त न होने की दशा अनाशक्ति, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार, किसी गुण विषय की वृहद टीका भाष्य, किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना अथवा गर्भाधान के लिए सांड का गाय के निकट जाना उपशर,
किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय, किसी को दोषारोपण करके छोड़ना क्षेत्राकर्षी, किसी को जीतने की चाह जिगीषा, किसी को जांचने या परखने की प्रक्रिया परीक्षण, किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी, लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना, विज्ञापन या विज्ञप्ति, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर, लेना और देना, आदान प्रदान, विनिमय, लुभाया या ललचाया हुआ लुब्ध, लालिमा से युक्त रक्तिम, लालसा रखने वाला लालायित, लाल कमल कोकनद, लाभ या शुद्ध न देने वाला अकुशैद, लंबे या मोटे उदर यानी पेट वाला लंबोदर, लंबे बालों वाली नायिका केशिनी, लड़की का लड़का नाती, लड़की की लड़की नातिन, लगातार देखना बिना पलक झपकाए निर्निमेश, लगातार घंटा बजाने से होने वाला टन टन शब्द, टनाटन सॉरी या स्टनाटन, लड़की का छोटा लकड़ी का छोटा टुकड़ा डंडा, रोस से भरा हुआ रस्ट, रोगियों की चिकित्सा करने के स्थान चिकित्सालय, रूप के अनुसार अनुरूप, राह या मार्ग का भोजन पाथेय, राधा का पुत्र राधेय, रात्रि में बेखबर लोगों का आक्रमण छापा, रात्रि के मध्य भाग का समय निशीत, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि के पूर्व का भाग का समय प्रदोष, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष, रात्रि का दूसरा प्रहर द्वियामा, रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा, रात्रि का चौथा या अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, रात्रि एवं सुबह के बीच का समय उषाकाल, रात को दिखाई न देने वाला रोग रतांधी, राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह, राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश, अध्यादेश या राजाज्ञा, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र या गजट, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी या राजमहिषी, राजा के द्वारा संचालित शासन राजतंत्र, राजा की सवारी में काम आने वाला साधन उपवाहन, राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला कूटनीति, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला कूटनीति, राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार युवराज, राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है, सहाय की जिसे इंग्लिश में सब्सिडी बोलते हैं, रघु के वंश का राघव, रक्षा करने वाला रक्षक, रक्त के दाब का मापक, का मात्र के अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग रक्तचाप, योग या मिलन न होने की अवस्था वियोग, यूरोप और एशिया संबंधी यूरेशिया, यूरोप एवं भारत संबंधी भारोपीय, युवा या युवती होने की अवस्था यौवन, युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला, यात्रा करने वाला यात्री, यह सिद्धांत की देवत बहुत से हैं और उनकी उपासना की जानी चाहिए, बहुदेववाद, यह कहना या लिखना कि हमारे मरने पर हमारी संपत्ति का विभाग या प्रबंध इस तरह हो, वसीयत, यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक, मौन या वचनबद्ध वाग्बद्ध, मेघ से आच्छन्न या घिरा हुआ मेघाच्छन्न, मृग सी आंखों के समान स्त्री मृगनयनी, मुर्दे या शव जलाने का स्थान श्मशान, मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी, मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई, मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा, मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं की तिथि अमावस्या, मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि पंचमी, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा, मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीय, मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि दसवीं, मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी, मास के किसी पक्ष की 4थी तिथि चतुर्थी या चौथ, मास की तीसरी तिथि तृतीय, मास की छठी तिथि छठी षष्ठी, मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी, माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी, मानने के लिए की गई विनती मनुहार, मान कराने वाली नायिका माननी, मान यानी घमंड करने वाली स्त्री माननीया, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, मांस से युक्त भोजन पदार्थ सामिस,
मांस न खाने वाला निरामिष, मांस खाने वाला मांसाहारी, महामूर्ख जड़, मोहल्ले का भीतरी भाग अंतःपुर, मरा हुआ अमृत, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरते दम तक आमरण, मरणाशन अवस्था वाला या मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष, मरण तक मृत्यु पर्यंत, मंदिर का भीतरी भाग गर्भगृह, मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन सम्मेलन, मनुष्य जात से परे मान वेतर, मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रमेयति, मन पसंद या नामांकित मनोनीत, मनगणत बात या कपोल कल्पित, मन वचन और कार्य से मनसा वाचा कर्मणा, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान, मन में अप्रिय भागों का सूचक क्लेश, मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतःप्रेरणा, मन को मोह लेने वाला मन मोहक, मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य, मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य, मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ, मन की अवस्था मनोवृत्ति, मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान, मदिरा पीने का प्याला चषक, मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद्य, मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी, मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न को रंजा, मछली पकड़ने वाली जाति धीवर, मछली के समान आँख वाली नायिका मीनाक्षी, मंद मुस्कराने वाली नायिका स्मिता, मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था अनगारिका या अनगार, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर। I have successfully completed second and last part of one word substitution. It is my suggestion for you. You should try to watch this video lots of time. If you will spend lots of time here, then these terms and words will go in your long term memory. And after that, you will try to encase it in practical life, in spoken language, and in examination center. Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe, and say my study channel and video. Which thanks a lot in advance for this. Thank you so much.